जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जयपुर के कालवाड़ के अंदर कालवाड़ से माछवा जा रही दो स्कूली बसों का आपस के अंदर भिड़ंत हुई। भिड़ंत के दौरान छह बच्चों को चोट आने का एक बड़ा मामला सामने आया है। अब सबसे पहले सवाल यह उठता है कि इन छोटे बच्चों की रखवाली आखिर कौन करेगा, क्योंकि इन छोटे बच्चे जब ये स्कूल जाते हैं तो माता पिता ये सोचकर उन्हें स्कूल भेजते हैं कि स्कूल प्रशासन कहीं ना कहीं उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन कहीं एक बात यह भी सामने आती है कि जिस प्रकार से ये भिड़ंत हुई है आखिर किसकी गलती होगी, और तेज़ रफ्तार के अंदर जो वाहन भिड़े गए हैं जिसके दौरान मामूली चोटें छः बच्चों को आई है और राम कुटिया के निजी अस्पताल में उन बच्चों को भर्ती कराया गया है, एक बड़ा मामला सामने आता है। और सबसे बड़ा सवाल भी यह उठता है कि आखिर इन बच्चों की जिम्मेदारी क्या अभिभावक लेंगे या स्कूल संचालक लेंगे या बस संचालक लेंगे जो बच्चों को बस में बैठाकर उनके निजी स्थान पर छोड़ते हैं, स्कूलों के अंदर छोड़ा जाता है, लेकिन ओवर स्पीड के कारण ये बच्चे इन हादसों का शिकार हो जाते हैं। देखिए एक्सक्लूसिव खास रिपोर्ट आवाज़ न्यूज़ की।